वहीं मध्य प्रदेश की चुनावी दंगल में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के फोकस में आदिवासी हैं। खासकर कांग्रेस की बात करें तो राहुल और प्रियंका अपने हर एक एमपी दौरे में गांधी परिवार को आदिवासियों से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा में एक बार फिर कांग्रेस के एजेंडे की तस्वीर दिखी। मंडला में प्रियंका गांधी के 50 मिनट के भाषण में अगर सबसे ज्यादा फोकस में कोई वर्ग था तो वो थे आदिवासी। और अब की बार आदिवासियों के साथ कनेक्शन इंदिरा गांधी का भी जोड़ा गया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूँ आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो और वो आपके लिए ही बात हो जो आपको आगे बढ़ा पाए और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके ज़िले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। प्रियंका गांधी ने न सिर्फ आदिवासियों दादी इंदिरा के किए गए कामों को गिनाया बल्कि आने वाले चुनावों को लेकर भी एक तरह की कमिटमेंट दी। मंडला में प्रियंका ने कांग्रेस को भावनात्मक तौर पर जहां आदिवासियों से जोड़ने की कोशिश की वहीं खुद में दादी इंदिरा का अक्स भी बताया। तो आप सब अगर आज यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूं, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं मैं जानती हूँ। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल, उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आदिवासी है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने जमाने में यहाँ के आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय थी और मंडला में प्रियंका गांधी ने इसकी तस्दीक भी करवाई। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। हालांकि ये सच है कि खरगोन जिले के झिरनिया गांव में आज भी इंदिरा गांधी का मंदिर मौजूद है जहां आदिवासी समाज उनकी पूजा करता है। यह मंदिर 1987 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक चिड़ा भाई डावर और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बनवाया था। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल है। 2018 में कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म करने में वनवासी यानी आदिवासी समाज की अहम भूमिका रही थी। यही वजह है कि आदिवासी समाज से गांधी परिवार को भावनात्मक तौर पर जोड़ने की प्रियंका पुरजोर कवायद कर रही है। कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं, अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को राहुल गांधी शहडोल आए थे और शहडोल में भी राहुल के फोकस में आदिवासी थे। मंडला या शहडोल ही नहीं, राहुल और प्रियंका इन दिनों अपनी हर एक सभा में आदिवासियों का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा, मैंने पूछा, छोटा सा था, मैंने पूछा ये
आदिवासी शब्द क्या होता है, और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं, ये जो हमारी जमीन है, सुनिए सुनिए, ये जो हमारी जमीन है जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। चाहे राहुल हो या प्रियंका, एमपी में बार बार आदिवासियों के जिक्र के आखिर मायने क्या हैं? इसे समझने के लिए कुछ समीकरणों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में 230 में 47 सीटें एसटी यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व है, इनमें 28 कांग्रेस और 18 सीटें बीजेपी के पास है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों में 6 एसटी के लिए रिजर्व है, 6 एसटी रिजर्व लोकसभा सीटों में से सभी बीजेपी के पास है। एमपी में 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, एमपी में करीब 22% से ज्यादा आदिवासी वोटर है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए कई कदम उठाए थे, इसलिए उनकी आदिवासियों में एक विशेष छवि मानी जाती है। कहीं ना कहीं उसी छवि को लेकर प्रियंका गांधी ने आज मंडला में अपनी शक्ल का हवाला देते हुए कि इमोशनली लोग उनसे कनेक्ट हों, उस आदिवासी वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसलिए उसका ये प्रयास है कि किसी प्रकार से इन सीट्स को गेन किया जाए दोबारा। मध्य प्रदेश में राहुल प्रियंका के आदिवासी प्रेम पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनते हैं। देखिए, प्रियंका जी अपनी दादी का नाम ले लें, दादाजी का नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। आदिवासी समाज के बीच में अगर आपने, प्रियंका जी आपको तो यह बताना चाहिए कि 60 साल से ज़्यादा आपकी पार्टी ने राज किया, उन्होंने उनके हितों की रक्षा क्यों नहीं की, उनके लिए काम क्यों नहीं किए। अगर उनके लिए किसी सरकार ने काम किए तो हमारी सरकार ने किए, डबल इंजन की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने, शिवराज जी ने किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से लगातार जो अनुसूचित जनजाति समाज है, हमारा आदिवासी वर्ग है, उसको सुरक्षा और संरक्षण देने का कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने हमेशा प्रयास किया है। चाहे वनाधिकार कानून हो या पैसा कानून हो, आदिवासियों का संरक्षण किया है। वहीं भाजपा की सोच कमजोर को कुचल देने की सोच है, और नेमावर का जो आदिवासियों के प्रति घृणा और उसका परिणाम सामूहिक नरसंहार और 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों को भाजपा की सरकार में दबाया गया। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों को किंग मेकर माना जाता है। 2018 में जब आदिवासी वोटर बीजेपी से दूर हुए, तब 15 साल की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। ऐसे में हर एक सियासी दल एमपी में आदिवासी समाज के समर्थन की अहमियत जानते हैं। यही वजह है कि शायद राहुल प्रियंका भी अपने हर एक मध्य प्रदेश दौरे पर बार बार आदिवासी समाज और इंदिरा गांधी से उनके भावनात्मक जुड़ाव के किस्से सियासी मंचों पर सुना रहे हैं। धार दौरे के दौरान प्रियंका गांधी काफी भावुक नजर आई। आदिवासियों के साथ उनकी दादी इंदिरा गांधी के रिश्ते उन्होंने याद दिलाए। ये एक आदिवासी कार्ड था जो प्रियंका गांधी ने आदिवासी वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने के लिए चला, लेकिन ये कार्ड कितना सफल हो पाता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।